हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आईब्रो का धागा, थ्रेडिंग के लिए धागा को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे धागा को पकड़ेंगे और उसको किस तरीके से चलाएंगे। सो आज मैं आप लोगों को साथ यही शेयर करने वाली हूँ, ये आज सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। पार्लर का सबसे मेन चीज़ होता है आईब्रो बनाना, मतलब आईब्रो थ्रेडिंग। अब अगर आप अच्छा करते हो तो आपका स्वाभाविक है कि पार्लर का ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो पाएगा, क्योंकि थ्रेडिंग ऑलमोस्ट सभी लोग करवाते हैं। इसीलिए थ्रेडिंग हमारा सबसे बेटर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेस्ट थ्रेडिंग देते हो तो कस्टमर भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं धागा कैसे पकड़ें। सो ये रहा मेरा आईब्रो धागा, आप देख सकते हो ये रहा। जस्ट इसको ऐसे ऐसे मुंह में लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ेंगे, इसको जितना हो सके इतना लूज करेंगे, ठीक है। और अब इसको जैसे इसको लूज किए, इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और इसको जस्ट घुमाएंगे चार से पांच बार इसको घुमाना है। 1 2 3 4 5, समझ गए? ऐसे घुमाना है, बिल्कुल इस तरीके का। दिखा सकते हैं इस तरीके का ये आना चाहिए, आप देख सकते हो कैसे पकड़ना है इसको। सो इसको घुमाना है और इस उंगली में ये जो हमारा फिंगर हुआ इसमें इसको अटैच करेंगे। 1 2 3, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अटैच कर सकते हो गाइस। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर रही हूँ, आपको जितने बार मन है उतने बार ये कर सकते हो। उसके बाद अपने अंगूठे से, अपने थंब से इसको ऐसे दबाएंगे, इसको जस्ट ऐसे करेंगे। अब इस हैंड को ऐसे पुश करेंगे, ये निकल ढीला फिर खुल जाएगा बाल को इसमें लगा। पहले तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ढंग से। सबसे मेन होता है कि थ्रेडिंग में प्रैक्टिस, पहले तो आपको धागा चलाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आप खुद के हैंड का, खुद के लेग्स का हेयर निकाल सकते हो इससे, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है जिस पे आप, कुर्सी हो गया, कुछ हो गया, उस पे आप ऐसे ऐसे करके चला सकते हो। जब आपका प्रैक्टिस बन जाए तो आप फोरहेड करने लग जाना। आप फोरहेड के बाद आईब्रो को टच नहीं करना है जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी, हाँ कैसे से कैसे क्या करना है, तब तक आपको आईब्रो को टच नहीं करना है, जस्ट फोरहेड करना है ऊपर का, क्योंकि ऊपर में आप जैसे भी चाहे हेयर निकाल सकते हैं। और मैं इस आईब्रो कैसे बनाएं इसका भी फुल वीडियो मैं डाली हुई हूँ, मेरे चैनल पे है, सो आप जाकर देख सकते हैं। सो आप जस्ट इसको ऐसे करके पकड़ेंगे और इसको ऐसे इससे पुश करेंगे, इससे दबाएंगे इसको, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, इस धागे पे जोर देंगे ये नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर इससे इसको खोलेंगे, ये खुल जाएगा। फिर इसको इसमें बाल फंसा करके इसको ऐसे दबाएंगे, ये गया जस्ट। इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, जो लोग सीख गए उनके लिए तो बहुत ही आसान चीज़ है, सिंपल है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा। कोशिश करने से क्या नहीं होता है, आप कोशिश तो कीजिए, सब कुछ संभव है। सो आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा थ्रेडिंग आप दे सकते हैं। सो थैंक यू, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ मन में डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइज़।